ऑयल मीडिया, सर्दियाँ आ रहे हैं तो देख सकते हैं, मैंने इस पे खाद डाल दिया है, गोबर का सड़ा हुआ खाद, तो देख सकते हैं इसे। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास जो है ये कोकोनट का राख है, यानी कि कोयला भी इसे कह सकते हैं। अगर ये आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा तो आप ऐसे ही मुरादा करके इसे ही ऐसे अपने मिट्टी के अंदर डाल लें। 50% आपको इस तरह के चाहिए। ये कोयला है, ये फिल्टरों में यूज होता है, देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। तो इस तरह से आप अपने सोयल मीडिया बना रहे हैं। अगर फ्लावरिंग करना चाहते हैं, किसी भी फ्रूट को लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 50% चाहिए, 50% से ज़्यादा ले सकते हैं। देख सकते हैं मैंने पॉट लिया है, इनके अंदर भी डाल चुका हूँ। तो आपको इस तरह से 50% से ज़्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हैं, जितना आप सोयल मीडिया बना रहे हैं उतने से आप काम चला रहे हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से आप मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सर्दियों के लिए जितने भी सोयल मीडिया हैं आप बना सकते हैं, या फ्लावरिंग करना चाहते हैं तो फ्लावरिंग आप देख सकते हैं, ये फ्लावर प्लांट लगाने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो सोयल मीडिया है, तो देख सकते हैं मैं सर्दियों के लिए इसे बना रहा हूँ। जितने भी हमें फ्लावर लगाना है, प्लांटिंग करना है, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। जितने भी अगर फ्रूट है देख सकते हैं, या मैंने 2 कंटेनर लिए हैं इस तरह से, पॉट लिए हैं, तो ये गमले हैं लेकिन ये रबर के हैं, तो देख सकते हैं। तो मैंने सोयल मीडिया उनके अंदर में मिक्स कर चुका हूँ, बाकी ये बच चुके हैं, हमें और भी चाहिए ज़्यादा। तो देख सकते हैं तो इस तरह से इसे मिक्स करें, तो देख सकते हैं हमारा जो टेस्टीज होते हैं सोयल मीडिया होता है। हमारा जो सोयल मीडिया अच्छा होगा, हमारे प्लांट भी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, तो